हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो है ना, हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा, जो हम पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। वैसे तो ये सभी के लिए बेनिफिट जो है ना करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो है प्लस वन प्लस टू के क्वेश्चन भी है, और थोड़े थोड़े ग्रेजुएशन का पोर्शन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ये है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर जो कि आपका 2016 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर सारा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आता है। तो हम 125 जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी हो पाएंगे इस लेक्चर के अंदर, लगभग 4 से 5 लेक्चर बनेंगे, हम सारा का सारा जो है ना सोल्यूशन कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा आपको, जैसे ही हम जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपको वो क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जो है लाइव चल रहा है, जैसे आपको वो क्वेश्चन लगाना है और उसका आंसर करना है, ठीक है। उसका मैं रिप्लाई करूंगा आपको साथ साथ, तो उसके बाद फिर मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगा, ताकि आपकी जो है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो देख सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए मिशन DSS, भी वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पे हम जो है कंप्लीट कोर्स चल रहा है, डाउट सेशन है, PDF फाइल्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, और वीडियो लेक्चर हैं, और टेस्ट सीरीज है, जो भी सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए वो दी जा रही हैं, 1 साल की उसकी वैलिडिटी रहने वाली है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ताकि ना अच्छे से, वैसे इसमें क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं सोचता हूँ कि आपको ओरिजिनल पेपर से ही करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है। तो ओरिजिनल जो पेपर है उसके ऊपर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वहां से जो है ना हम इसको देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपके सामने होगा, तो हम साथ साथ जो है ना आप रिप्लाई करोगे, हम साथ साथ उसका सलूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो है यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स 2016 का पेपर है। मैं आपको जो यूट्यूब पे देख रहे हैं पब्लिकली करने वाला हूँ ये सारा लेक्चर, ठीक है। पब्लिकली करने वाला हूँ, क्या कर ही दिया। और जो उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं वो, ठीक है। और जो पेड कोर्स वाले हैं उनको मैं एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा ये सारा का सारा पेपर, और टेलीग्राम ग्रुप भी है उनका अलग से बनाया हुआ, वहाँ भी जो है पेपर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। और फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन और जो है ना स्टडी मटेरियल हम पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, देखिए, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों को आपने देखना है, उसके बाद कौन सा ट्रू नहीं है जल्दी से आंसर करना है। मैं कैमरा यहाँ से हटा रहा हूँ, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए और हम फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 20 सेकेंड है इसके। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी देख सकते हैं साथ साथ, ठीक है। और किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड की मिशन DSS भी, वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल वेक्टर का जो क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कि अगर मेरा ए का मॉडुलस इज इक्वल टू बी का मॉडुलस है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ए इज इक्वल टू, मैंने एग्जांपल ले लिया कि आयोटा माइनस 3j, ठीक है, आयोटा नहीं सॉरी आई माइनस 3j, और बी का मैंने एग्जांपल ले लिया 3i माइनस j, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये दोनों इक्वल है, नहीं है, बट इसका मैग्नीट्यूड अगर हम करेंगे, ठीक है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 प्लस 9 √10 आ रहा है, इसका भी 9 प्लस 1 √10 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट ए इज इक्वल टू बी इक्वल नहीं है। तो उन्होंने यही पूछा, नॉट ट्रू, तो यही ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एट एन इंक्लिनेशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल द मैक्सिमम हाइट एच अटेन्स इज, ठीक है। जिन्होंने ये प्रोजेक्टाइल वाला जो है ना टॉपिक किया हुआ है उनको तो समझ में आ गया होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो उन्हें नहीं आया होगा। तो ये टॉपिक जो है ना एप्लीकेशन के अंदर मैं करवाऊंगा, एप्लीकेशन मिशन DSS उसके अंदर सारे लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, पेड कोर्स जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, और लेक्चर जो है ना बाकी आते रहेंगे। यदि एक कण वेग जो भी है क्षितिज, थोड़ी थोड़ी हिंदी के अंदर मेरे को प्रॉब्लम है, बट इंग्लिश के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश के अंदर मैं सारे क्वेश्चन के आंसर कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ना दो चीज़ें आपको जो है ना समझनी जरूरी हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो जो रेंज होती है इसमें, आर मैक्सिमम की बात करता है, आर मतलब रेंज है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है, यहाँ पे 2g नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और हाइट की अगर हम बात करते हैं ना इसमें, तो वो होता है यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे होता है 2g, ठीक है, ये हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है ना उसका पूछने का स्टाइल हमेशा यही है कि वो बस इसी के अंदर ही अराउंड क्वेश्चन पूछेगा और आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू एट एन इंक्लिनेशन अल्फा, एंगल दे दिया अल्फा विद द होरिजोनटल, ठीक है, विद द होरिजोनटल। अब इसमें भी थोड़ा फर्क है, होरिजोनटल में हो तो जो अल्फा एंगल दिया हुआ है डायरेक्ट अल्फा ही इसके अंदर पुट होगा, ठीक है, थीटा की जगह। अगर वर्टिकल एंगल दिया हो तो 90 माइनस थीटा पुट होगा, बस ये ध्यान में रखना है। द मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एंगल पुट हो जाएगा, मतलब पेपर के अंदर अगर आप बैठे हो तो आपने इसको पेन नहीं चलाना था, डायरेक्ट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g, आपको फॉर्मूला ध्यान था और डायरेक्ट आपने क्या करना था, ऑप्शन नंबर सी देखना था। हाँ भाई, अल्फा कहाँ लगा हुआ है, यूज़ किया साइंस के अल्फा अपॉन में 2g, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे जी है, तीनों कट हो गए, तो डायरेक्ट समझ रहे हो ना, तो डायरेक्ट यही आंसर आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ नोट कर लो कि अगर मेरा एंगल है, अगर मेरा होरिजोनटल वो बात कर रहा है, इंक्लिनेशन अल्फा विद होरिजोनटल है, तब मेरा जैसे अल्फा है तो अल्फा ही लेना था, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो थीटा है तो थीटा ही लेना था। अगर मेरा होता वर्टिकल तो 90 माइनस थीटा आ जाता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें हिंदी में तो कुछ ज़्यादा लिखा ही नहीं हुआ, इंग्लिश के अंदर ही आप देख सकते हो कि इफ़ एक्स प्लस टू 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 एक्स प्लस टू 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 एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो देन वैल्यू। तो आप जल्दी से कमेंट के सेक्शन के अंदर जो है ना इसका रिप्लाई करते रहिए और साथ में आपको जो है ना रिप्लाई मिलता रहेगा कि हाँ इसका आंसर सही है या गलत है। ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन आर, अब सिंपल सी बात है, मैं तो यही बोलूँगा कि इसको सोल्व करने की बजाय, इसको सोल्व नहीं करना आपने, जितना भी पेपर हम करेंगे ना सारा का सारा, ज़्यादा से ज़्यादा हम शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब इसको हम करेंगे, जब मैं बोलूँगा डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो, ऑप्शन पुट करने में भी ना समझदारी है, यहाँ पे जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, मतलब जीरो तो सेटिस्फाई 100% करेगा ही करेगा क्योंकि चारों में है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन माइनस टू है, माइनस टू है, माइनस टू है, यहाँ पे माइनस टू नहीं है। अगर मैं माइनस टू देख लूँ, बाई चांस मेरा माइनस टू अगर फेल हो जाता है इसके अंदर, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, क्योंकि माइनस टू इन तीनों के अंदर है, तो डायरेक्ट मैंने इसके अंदर माइनस टू पुट किया, ठीक है। जैसे ही आप माइनस टू पुट करते हो तो मेरा क्या आ जाता है, ऊपर आ जाएगा जीरो और यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे आ जाएगा टू, जीरो, टू, टू, टू और जीरो। इसको मैंने जब सोल्व किया तो मेरा आ रहा है माइनस का टू, पहले तो जीरो ही होगा कॉलम, सॉरी रो से कर रहा हूँ जीरो को, और अब जो है टू से कर रहा हूँ जब मैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, जीरो माइनस का फोर, ठीक है, प्लस का टू से कर रहा हूँ तो फोर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है क्या आ गया मेरा, प्लस का आठ आ गया और यहाँ भी प्लस का आठ आ गया, तो ये जीरो तो कभी नहीं बनेगा, इसका मतलब माइनस टू वाले ऑप्शन जो है वो रिजेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। पेपर के अंदर जितना हो सकता है स्मार्ट वे से आपको करना है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के अप्रोच से जाने लग गए ना, जैसे आप क्वेश्चन बच्चों को सोल्व कराते हो, ठीक है, तो फिर हो गया, बस फिर बंटाधार है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही जल्दी जल्दी जितना हो सकता है मेरे साथ स्पीड बनाओ, अगर कोई दिक्कत आ रही है कुछ आ रही है तो कोर्स आप ले सकते हो, उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक मैंने आपको उसके अंदर करवा दिया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी कब कब होते हैं, कौन कौन से, डी लंबर्ट हो गया, रेशियो टेस्ट हो गया, रॉबिस टेस्ट हो गया, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट हो गया, ये अलग अलग सारे, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी, आपने सोल्व कैसे करना है वो देखिए। सिंपल सा है ये वाला जो है क्वेश्चन, ऊपर क्या है, पावर लगी हुई है, तो हम कोची रूट टेस्ट जो है ना अप्लाई करेंगे, कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, जो भी मेरा दिया होता है पावर 1/n करनी होती है मुझे, अगर वो लेस देन 1 आ जाती है तो मेरी सीरीज होती है कन्वर्जेंट, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है लेस देन 1 हो जाती है, अगर 1 से बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो फिर डाइवर्जेंट, अलग अलग केस होते हैं। तो हम जो है इसको चेक करते हैं, अब यू एन क्या होता है मेरा, जो भी ये मेरा अंदर है वो यू एन है, ऊपर जो भी पावर लगी है सारा का सारा यू एन है, पावर 1/n करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वो है कि एन प्लस 1/n है, तो यहाँ पे 1/n 1 हो जाएगा, 1 + 1/n आ जाएगा, तो इसको ही पहले आप देख लो, इसको देखोगे तो 1 + 1/n सारे की पावर n प्लस 1 है, और यहाँ पे भी 1 + 1/n सारे की जो पावर है वो माइनस n है, अपॉन में n करनी है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि यू एन सारे की पावर 1/n मुझे करनी है, और लिमिट मुझे पुट करनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी,
यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, पेपर में जाते ही आपने ये चीज़ कर दी तो ऊपर ये वाला कट गया, ठीक है, माइनस पावर ऊपर पड़ी हुई है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये जो 1 प्लस 1 बाई एन है इसको हम ले आते हैं बाहर, बाहर लेके आएंगे तो ऊपर पावर माइनस 1 है तो ऊपर बाहर आएगी माइनस 1 पावर बाहर आएगी, तो 1 प्लस 1 बाई एन सारे की पावर माइनस 1 आ गई बाहर, ठीक है। अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 बाई एन सारे की पावर एक तो बाहर आ गई, सिर्फ क्या बची, अंदर एन बची पावर, ठीक है, माइनस यहाँ बच गया 1, ऊपर पावर बच गई माइनस 1। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मैंने पुट कर दिया, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे अब देखिए आप, ये मैं करवा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपको तो डायरेक्ट ही करना है, बस ये चीज़ है देखते ही पावर एन है, कोची रूट टेस्ट लगेगा, ऊपर 1 बाई एन आ जाएगी डायरेक्ट ये करते ही। अब इसको भी सोल्व नहीं करना होता 1 बाई इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है, जब भी एन टेंस टू इन्फिनिटी आए तो 1 बाई एन बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि 1 बाई एन 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, ये सारा जीरो हो गया, 1 की पावर माइनस 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया, 1 की पावर एन, ठीक है, 1 की पावर n, तो यहाँ पे देखिए एक सेकंड, यहाँ पे कुछ और बन रहा है 1 बाई इन्फिनिटी तो जीरो का, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अब आपको पता है कि 1 की पावर जब इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, लिमिट के चैप्टर में मैंने करवाया था आपको, तब जो है मेरा आंसर जो है मेरा क्या होता है, e की पावर में वो चीज़ मेरी आ जाती है, मैं यहीं पर कर देता हूँ, e की पावर में जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो ऊपर पावर होती है वो आगे आ जाती है, 1 प्लस 1 बाई एन और 1 माइनस हो जाता है उसमें से, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। और यहां पे माइनस 1 तो पड़ा ही हुआ है, ठीक है, और सारे की जो पावर है वो मेरी माइनस 1 चल रही है, ठीक है, ये वाली, समझ गए। और यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये क्या आ गया, ये माइनस 1 से 1 कट गया, n से n कट गया, e की पावर n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब e माइनस 1 हो रहा है ऊपर, समझ रहे हो, e माइनस 1 सारे की पावर जो है वो मेरी माइनस 1 है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है e माइनस 1, ठीक है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत ना हो जाए आपको, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक सेकंड मैं रेड ले लेता हूँ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 1 ही बच जाएगा, ठीक है ना, n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम देखें e माइनस 1 सारे की पावर 1 तो 1 बाई e माइनस 1, e मेरा क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1 अपॉन में 2 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है, 718 इस टाइप से कुछ होता है, वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, तो मेरी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, 10 का स्केयर प्लस 11 का स्केयर प्लस 12 का स्केयर अप टू 19 का स्केयर दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या मेरा आएगा, सिंपल है, हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है, उसके अंदर मैंने आपको कराया था, एपीजी पीएचपी भी करवाया था सीक्वेंस सीरीज के अंदर, चूंकि ठीक है वो आप जाके देख लेना, लेक्चर मैंने ऐड किए हुए हैं वहां पे, तो उसके अंदर हम जो है ना ऐसे किया करते थे, जैसे 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर अप टू सो ऑन, एन का स्केयर का मेरे पास फॉर्मूला था एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय में 6, ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे अगर हम देखें 10 से 19 तक आ रहा है, सिर्फ मिस क्या है 1 से 9 तक, अगर मैं 1 से 9 तक का स्केयर जोड़ दूं और उसी को माइनस कर दूं तो 1 से लेके 19 तक का स्केयर आ जाएगा, उसका मेरे पास फॉर्मूला है, तो मैंने इसके अंदर क्या किया 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर अप टू सो ऑन 9 का स्केयर मैंने जोड़ दिया, ठीक है, प्लस में क्या हो गया 10 का स्केयर अप टू सो ऑन 19 का स्केयर, और यही मैंने घटा दिया 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर अप टू सो ऑन 9 का स्केयर। अब ऊपर वाला जो ये वाला बन रहा है सारा, ये मेरा क्या बन गया n इंटू मतलब 19, n प्लस 1 मतलब 20, 2n प्लस 1 19 38 एक 39 बटे में 6 आ गया, माइनस में ये 1 से 9 तक बन गया मतलब 9 इंटू 10 इंटू 9 18 और एक 19 बटे में 6। अब जो है 6 दोनों में कॉमन है, ऊपर जो है ऊपर भी एक चीज कॉमन आ रही है आपकी 19, यहाँ भी 19 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो कुछ भी है, आपका 19 कॉमन आ रहा है और नीचे 6 कॉमन आ रहा है, अंदर जो है मेरा यहाँ पे क्या बन गया 39 × 78 780 माइनस 90, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 19 बटे 6 × 690 आ रहा है,
यहाँ से कटेगा 6 कम 6 और 6 कम 6 3 6 5 30। 19 को 115 से गुना करोगे 2185 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुझे नहीं लगता किसी पर कोई दिक्कत होगी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए, फिर हम इसको करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर, इफ क्यू इज डबल्ड आर इज डबल्ड एंड इफ क्यू इज रिवर्स्ड आर इज अगेन डबल्ड, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला जो है मेरा वो क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, जी स्क्वायर प्लस में 2PQ cos θ। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड जो है वो क्या बोल रहा है, अगर क्यू को डबल कर दिया जाए तो आर भी डबल हो जाता है, और अगले में क्यू को रिवर्स कर दिया जाए तब भी आर डबल हो जाता है। मतलब दो इक्वेशन और बनने वाली है, आर को डबल कर दिया, आर को 2R कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4R square। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्र, क्यू को भी डबल कर दिया तो 2Q हो जाएगा, क्यू को तो 4Q square आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्यू को डबल किया था, यहाँ पे 4PQ आ जाएगा और cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो R को क्यू को रिवर्स किया, क्यू को रिवर्स किया मतलब क्यू को पुट कर दिया माइनस क्यू, R फिर भी डबल हो रहा है, मतलब 2R ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो 4R square ही रहेगा, यहाँ पे P square ही रहेगा, और यहाँ पे क्यू की जगह यहाँ पे माइनस क्यू का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क यहाँ पे पड़ेगा 2PQ हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है और इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है जो भी ऑप्शन के अंदर। तो अगर मैं फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर दूं तो यहाँ पे मेरा माइनस 2PQ और वहाँ पे 2PQ cos थीटा दोनों कट जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 2PQ cos थीटा, यहाँ पे माइनस 2PQ cos थीटा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरा 4R square प्लस 1R square तो 5R square आ जाएगा, यहाँ पे 2 times P square प्लस Q square आ जाएगा। अगर हम इसको देखें ऑप्शन को, P को मैं √2 पुट करूँ, Q को मैं √3, R को √2, तो यहाँ पे देखिए R को अगर मैं √2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 10 आ रहा है, और यहाँ पे P square प्लस Q square मतलब 5 × 2 = 10 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये वैसे भी कट हो गया। ठीक है, और ना ही फोर्थ ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन फिर से सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि P square और Q square √3 √2 है, यहाँ पे √3 √2 है, तो यहाँ पे पुट करने पे 5 आ रहा है, 5 × 2 = 10, यहाँ पे R जो है सेम का सेम ही रह रहा है। ठीक है, सॉरी, √2 √2 ही रह रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इसीलिए अब हमें थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर आ चुका था पेपर के अंदर हम बैठे होते अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता तो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दूं तो 2 times ये हो जाएगा 4PQ cos θ, यहाँ पे 4PQ cos θ, ये इसमें से माइनस होगा तो कट जाएगा, मतलब 2 times equation number 1 - equation number 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2R square, क्योंकि वहाँ पे 2R square - 4R square - 2R square इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P square - 2Q square, और यहाँ पे क्या आ गया, 2R square - कॉमन ले लिया मैंने, 2Q square - P square। अब जो है सेटिस्फाई करवा के देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी मेरा इनकरेक्ट है। पुट करके देखो, ऑप्शन नंबर जो है ना थर्ड पुट करोगे √3, R को √2 पुट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर, अगर मैं थर्ड पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेड में ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये पुट कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 times R square मतलब 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे 2 times Q square मतलब 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 = 1 कभी भी नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा सिलेक्ट है। ठीक है, चाय पुट करके देख लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा आंसर सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, ये जो कमर्शियल मैथ है वो भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है, अगर आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला टॉपिक, और टाइम एंड वर्क वाला भी, स्पीड डिस्टेंस वाला भी, जो भी टॉपिक है ना कमर्शियल मैथ वाले भी, ये भी सारे उसके अंदर आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। द कंपाउंड इंटरेस्ट 8000 के ऊपर, अब इस पे भी ना मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से करवाया हुआ है, अब ये वाला जो ट्रेडिशनल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा वैसे, पर शॉर्टकट ट्रिक देखना, 10% per annum 1.5 hour
ईयर के लिए इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयर बीच। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं अगर हिंदी देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो 8000 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। जल्दी से आप ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। मैंने आपको कैसे कराया हुआ है, अगर आपने वो लेक्चर देख लिया हो, ठीक है, पेड कोर्स वाला है जो, तो मैंने आपको कराया हुआ, जैसे जो भी लिखा हो ना, 8000 है, 8000 के ऊपर है, जितनी भी दर लिखी हो मतलब कि रेट लिखा हो वो लिख दो, और जितना भी साल लिखा हो 3/2 ईयर है, ऐसे 1.5 है ना, मतलब डेढ़ साल है, मतलब 3/2 साल है। अब अगर ये बटे में आ जाता है ना तो उसको ना मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब जो है ना रेड में ले लेता हूँ मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ईयर, यहाँ पे आ जाएगा 5%, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं रहेगा। अब जो है आपका समझ लो आंसर आ चुका है। आंसर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 1-2 साल का 3 साल का 4 साल का, तो उसके लिए 3 साल का होता था तो मेरा 331 होता था, ठीक है। यहाँ पे करना क्या होता था कि इसके 5% निकाल दो 8000 का, जो भी आया उसका फिर 5%, जो भी आया उसका फिर 5%, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 5% इसका निकालते हैं 8000 का, तो जो है ना मेरा 400 आता है, फिर इसका 5% निकालते हैं तो 20 आता है, फिर इसका 5% निकालते हैं तो 1 आता है। ये भी 5% इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाल लिया वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 60 और 1, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1261 मेरा आंसर आ गया। पेपर के अंदर आपने इतना ही करना था जल्दी से जल्दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा एकदम से मैंने कैसे निकाला। देखिए 8000 है, ठीक है, 8000 का 5% निकालेंगे तो 5/100 करेंगे, 100 से 2 जीरो पहले मैंने काट दिया, 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 400 आ गया। अब 400 का मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं, तो डायरेक्ट ही मैंने 2 जीरो पहले से ही काट दी और 400 कर दिया। अब 400 का निकालना है तो डायरेक्ट 2 जीरो पहले काट के सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 20 है तो 20 का निकालना है तो 5/100 आ गया, तो 20 5 100, 5 को 5 से कर दिया तो 1 आ गया, तो इसीलिए मैंने माइंड के अंदर ये सब कर लिया, ठीक है। तो इतना फास्ट आपने करना है, और इसके एक्चुअल मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है, यहां पे मैं बता देता हूं, A इज इक्वल टू मतलब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+R मतलब रेट है, दर है, अपो ऊपर N लगा दो या T लगा दो मतलब टाइम के लिए। अब जो है इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे, अमाउंट आएगा मेरा कि 8000, 1+ रेट मेरा 10% है, ऊपर मेरा 3 साल है क्योंकि 3 ईयर कर दिया ना मैंने ऊपर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ईयर कर दिया, रेट 5% आ गया, तो यहाँ पे रेट 5% रहेगा, ठीक है, रेट 5%, नीचे 100 आएगा। इसको सोल्व करोगे तब मेरा आंसर जो है ना मेरा बनेगा 9261। ये मेरा अमाउंट बना, इसका जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जब मैं निकालूंगा, इसका जब मैं निकालूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो क्या होता है 9261 अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाता है 8000, तो मेरा आंसर फिर से 1261 ही बनने वाला है। तो मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको ये मेथड, जो कि बहुत आसान है। ये मेथड कई बार ना बहुत लेंथी हो जाता है तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, टाइम आपने थोड़ा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया गया 20, देन द मीन ऑफ, ये देखिए 2+4+6+20 कर दिया, इसका मीन आपने निकालना है। चलिए देखिए इसके अंदर सिंपल सा है, 10 ऑब्जर्वेशन का मीन 20 दिया गया, मतलब टोटल क्या हो गया इसके अगर हम सम करेंगे तो 200 हो गया। चलिए हम यहाँ पे करते हैं कि अगर x1+x2+x10 जो है, ठीक है, उसका जो मीन 10 दिया गया है ऐसे होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 200 हो गया up to 101 x10 तक। अब जो है सभी के अंदर जो है ना 2, 2, 4, 6 इस टाइप से ऐड किया गया, ठीक है, तो 1 है तो 2 ऐड किया गया, इसका मतलब 10 तो 20 तक ऐड किया गया होगा, मतलब उसके अंदर x1+x2+x10+2+4+20 तक ऐड किया गया होगा, इन सभी का सम जो है वो मेरा 200 प्लस ये वाला सारा बनेगा, मतलब ये जो चीज़ ऐड की गई है उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ 200 प्लस ये 2 से लेके 20 तक है, ठीक है। अब आप जो है ना वो सोच सकते हो कि इवन टर्म का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास n इंटू n प्लस 1,
ठीक है, एन मेरा टोटल 10 टर्म है, तो 10 इंटू 10 प्लस में मतलब 11, ठीक है, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आ गया 200 प्लस में 110, 200 प्लस 110 कितना होगा 310, 310 मेरा टोटल उसका सम हो गया, ठीक है। अब सम हो गया मतलब इसका मतलब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, पेपर के अंदर आपने ऐसे ही करना है, ज़्यादा नहीं लिखना, जितना हो सके लिखने से बचना है। मतलब ये वाला सारा जो है अपॉन के अंदर मैं 10 करूँगा तभी उसका मीन निकलेगा, तो अपॉन के अंदर 10 कर दिया तो 31 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो, जितना हो सके शॉर्टकट करने की कोशिश करनी है आपने, ऑप्शन नंबर 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर द लास्ट 8 ईयर द बेस्ट डायग्राम क्या आएगा। पाई चार्ट से मतलब 8 वर्ष की जनसंख्या दर्शानी है हमें, अच्छा चित्र कौन सा बन सकता है, मतलब पाई चार्ट, ठीक है, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट या सिंपल बार डायग्राम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे ना जो पाई चार्ट होता है वो किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, जैसे इसके अंदर कुछ है, ये अलग अलग दिया होता है, मतलब कुछ, ठीक है, पाई चार्ट तो होगा नहीं अगर हमने 8 साल की ग्रोथ दिखानी है, पाई चार्ट से तो हम दिखाएंगे नहीं। अब हिस्टोग्राम की अगर मैं बात करूँ, हिस्टोग्राम जो है मेरा वो क्या होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से ये होता मेरा हिस्टोग्राम। अब इसके अंदर जो है ना, ये हर जो बार है, इसका जो बार ग्रुप है, नंबर इनटू रेंज है, मतलब जो भी इसकी रेंज जो आ रही है, नंबर आएगा और रेंज आएगी, इस टाइप से ये चीज़ है। अब स्कैटर प्लॉट क्या होता है, स्कैटर प्लॉट होता है जैसे इस टाइप से होता है, टिप्पियाँ सी होती हैं, मतलब बिंदियाँ सी, उस टाइप से ये चीज़ दिखाता है। जो ये डॉट्स है ना, ये पता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टू डिफरेंट न्यूमेरिक वेरिएबल, जो भी है मतलब एक्स यहाँ पे होगा और यहाँ पे वाई होगा, टू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है ना वेरिएबल जो है शो करते हैं। इसका जो है ज़्यादा यूज होता है ऑब्जर्वेशन करने में, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। और जो सिंपल बार डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है, इस टाइप से, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको बताना है कि ये पाई चार्ट आएगा, हिस्टोग्राम आएगा, स्कैटर प्लॉट आएगा, सिंपल बार डायग्राम आएगा। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा ना, वो आएगा मेरा सिंपल बार डायग्राम। इसके अंदर कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये 2010 की है, ये 2011 की है, ये 2012 की पॉपुलेशन है, ठीक है, कितनी कितनी रही, यहाँ पे अलग अलग मतलब वो लग जाएंगे, जैसे 500 का आ गया, 1000 का आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1500 का आ गया, ऐसे 2000 का आ गया, इस टाइप से हम जो है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसका आएगा आप आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ नॉन जीरो ए बी सी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए स्केयर बाय बी सी प्लस बी स्केयर बाय ए सी प्लस सी स्केयर बाय ए बी। जल्दी से पहले आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसके अंदर अगर मैं देखूं ना, सिंपल, अगर नीचे बी सी ए सी ए बी आ रहा है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं ए बी सी, तो ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, बी सी या नीचे ए से मल्टीप्लाई होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब आ जाएगा, और ए बी सी नॉन जीरो दिए हुए हैं, ठीक है। अब जो है हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो है फॉर्मूला क्या होता है, जब मेरा ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है मेरा, 3abc होता है। तो यहाँ से आपने पेपर में अगर आप बैठे हो तो डायरेक्ट आप क्या पुट करोगे, 3abc अपॉन में abc कट करके आंसर आ जाएगा मेरा 3, ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ साथ आपको और भी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के देता है हर बार, ये 9th 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये कैसे घुमा के देता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा आप नोट कर लेना। ये फॉर्मूला क्या होता है मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है मेरा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ होता है मेरा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ठीक है,
ये माइनस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फॉर्मूला होता है एक तो। और उस इसको सेम इसी फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, वन बाय टू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। अंदर आ जाएगा मेरा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, टू टाइम आएगा तो मैंने बाहर वन बाई टू इसी ले लगा दिया। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब जो है, अब उसने क्या कहा था, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ये सारा जीरो हो गया, तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये थ्री माइनस का थ्री ए बी सी, इधर चला जाके थ्री ए बी सी हो जाएगा, तभी मैंने ये वाला डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है, आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। If x plus 1 by x root 3 है, then the value of x की पावर 18 plus x की पावर 12 plus x की पावर 6 plus 1 क्या आएगा? जल्दी से आप कीजिए, फिर हम करते हैं इसको। देखिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें निकालना है ना, उसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता हूँ, x की पावर 12 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाता है, x की पावर 6 plus 1, और वहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ तो x की पावर 6 प्लस 1, यहाँ से मेरा क्या आ गया, x की पावर 12 प्लस 1, और यहाँ से मेरा क्या आ गया, x की पावर 6 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं देखूँ तो x की पावर 12 प्लस 1 है एक तो, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, x की पावर 3 प्लस 1 बाई x की पावर 3। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बाई x का की फॉर्म में दिया हुआ है। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ और मेरे को क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, वो जो मुझे दिया हुआ है x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू रूट 3, इसका हम करते हैं क्यूब। तो यहाँ से जो है मैंने इसका किया क्यूब और इसका भी किया क्यूब, तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आई, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम ए इंटू बी, तो 1 ही हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 1 बाय एक्स क्यूब हो जाएगा, और अंदर बचेगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 3 रूट 3 हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की। अगर हम देखें तो यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है मेरी यहाँ पे क्या दी हुई, रूट 3, तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा, 3 इंटू रूट 3, यहाँ भी 3 इंटू रूट 3, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 0 तो टोटल की वैल्यू 0, इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा है, मतलब ऐसे समझो टीजीटी के अंदर 50-60% अगर मैं देखूं सिलेबस बिल्कुल आसान सा आता है, बट आपको थोड़ा सा उसका ट्रिक पता होनी चाहिए तब आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज बाकी थोड़ा सा पोर्शन है ग्रेजुएशन का, थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको तैयार करने की ज़रूरत है, और प्लस वन प्लस टू का थोड़ा सा अच्छे जो लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसको तैयार करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए फैक्टराइजेशन करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, इसका तो कुछ सोचना भी नहीं है, फॉर्मूले मैंने आपको करवाए हुए हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता तो यहाँ पे आ जाता प्लस, और अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाता, ठीक है, बस इतना ही फर्क रहता। अब यहाँ पे देखिए वो इतना ही फर्क डालेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला तो कभी भी नहीं आएगा, ये तो कट ही हो गया, माइनस वाले आएंगे, ये सही है। यहाँ पे देखिए बार माइनस लग गया तो अंदर कभी माइनस नहीं आएगा, ये दोनों बी और सी दोनों माइनस के हैं तो ये वाले कभी भी नहीं आएंगे, ये भी होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये वाला हम देख रहे हैं। अगर हमारा ये होता तो ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा करेक्ट होता, बी, अगर ये प्लस का आ रहा होता, ठीक है, बट बी भी करेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाता अगर हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आता तो। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, यहाँ से हिंदी वाले भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो क्या बोल रहा है, द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एपी द कॉमन डिफरेंस इज। पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और जो पेड कोर्स वाले उनको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। द रूट ऑफ इक्वेशन इतना आर इन एपी,
ये रूट इसके एपी के अंदर है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए दो तरीके हैं वैसे इसको करने की, या तो वही बात जो इसको करो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उन तीनों से जो है मेरा आंसर निकल आएगा। ठीक है, या तो वो चीज़ करो, या एक चीज़ है सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, ये चीज़ करो कि एपी के अंदर है। अब इसको एपी जीपी एचपी वाले चैप्टर से करो, सीक्वेंस सीरीज से। आप क्या करते हो, जब भी मैंने आपको बता रखा है, जब भी यहाँ देखिए एपी के अंदर है और यहाँ पे थ्री रूट आएंगे, तीन रूट आएंगे क्योंकि क्यूबिक के अंदर है, थ्री रूट हो फोर रूट हो कैसे कैसे आपको मानना होता है। थ्री रूट हो तो कैसे मानते हैं, ए ए प्लस डी और ए माइनस डी। ठीक है, इनका मैं एडिशन कर देता हूँ, ये क्या आ गया मेरा एक प्रकार से, एक रूट ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए, तो यहाँ पे है माइनस ट्वेल्व तो प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा। यहां से डी कैंसिल होगा, ए की वैल्यू मेरी आ गई चार, ए की वैल्यू आ गई। अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस डी बाय ए, तो माइनस अट्ठाईस है तो प्लस अट्ठाईस हो जाएगा, तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा 28। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ पे वैसे तो ए की वैल्यू 4 आ गई और यहाँ पे ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्केयर माइनस डी स्केयर हो गया, तो 16 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 28, 7 चौके 28, 7 जो है 16 आके डी स्केयर की वैल्यू आ गई 9, डी की वैल्यू आ गई मेरी 3। कॉमन डिफरेंस ही उसने पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 14, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इज इक्वल टू इतना है देन ट्रेस। आपको पता है ट्रेस क्या होता है, डायगनल के सम होता है, जो भी डायगनल एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका सम होगा। बट ए के स्केयर का निकालना है, पहले ए जो दिया हुआ है उसका स्केयर कर लो, स्केयर कर लो, और स्केयर में सिर्फ आपको डायगनल एलिमेंट ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसका ही सम हमें बताना है, क्योंकि ट्रेस निकालना है ना, तो ए का स्केयर कर लो पहले। ए का स्केयर क्या आ जाएगा, स्केयर करना आपको आता ही है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के अंदर हमने किया था, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कोस स्केयर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स, और यहाँ पे जो भी आता रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ डायगनल एलिमेंट निकालने, यहाँ भी मेरा कोस स्केयर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्केयर हाइपरबोलिक एक्स आ गया। अब आपको पता है कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स अगर होता है वो तो कोस 2x होता है, बट हाइपरबोलिक के अंदर ये 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कुछ भी आता रहे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, क्योंकि ट्रेस मुझे निकालना है, ट्रेस ऑफ ए स्केयर, ठीक है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बस कुछ करना ही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इफ x माइनस 1 और x प्लस 3 आर द टू फैक्टर ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, देन रिमेनिंग फैक्टर आपके क्या आएंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये फैक्टर है इसको 0 रख दो, x इज इक्वल टू 1 भी इसमें पुट कर लो सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट करो सेटिस्फाई करेगा। चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, देखिए x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब सेटिस्फाई करेगा, 0 को देगा, 0 के इक्वल देगा, a प्लस b इज इक्वल टू आ गया मेरा माइनस 1। और जब मैंने पुट किया x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दिया हुआ था, अगर अब जब मैंने x इज इक्वल टू माइनस 3 पुट किया तो 3 × 3 = 27, माइनस का 27 माइनस का 3a, प्लस में b इज इक्वल टू 0 आना चाहिए क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा b माइनस 3a इज इक्वल टू 27। तो ये दो इक्वेशन ही आई, अब इसको सोल्व करना है, बट मैं बोलूँगा सोल्व नहीं करना, आपको क्या करना है डायरेक्ट जो है ना आप यहाँ पुट करो, ऑप्शन पुट करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ से ए और बी की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी ना, उसके बाद ही आप पुट कर पाओगे ये इक्वेशन के अंदर, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे पास ये है ना, तो ए और बी की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कुछ भी ए की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ए की वैल्यू आ गई माइनस बी माइनस 1, यहाँ पुट कर दो बी माइनस 3 माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से माइनस 3 प्लस का 2 भी आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस का 3, वहाँ जाके माइनस का 3 हो जाएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे गलती होगी, 3 और 1 4 भी हो जाएगा ना, 4 भी
तो बी इज इक्वल टू यहाँ से मेरा आ गया 6, बी इज इक्वल टू 6 आ गया, ए की वैल्यू जो मेरी बी इज इक्वल टू 6 आया तो ए की वैल्यू मेरी -7 आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, हमें इनपुट कर दूंगा तो एक्स क्यूब ए की वैल्यू मेरी है -7, -7x आ जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब जो है आपने सोल्व नहीं करना इसको, ठीक है, डायरेक्ट देखो फैक्टर कौन सा बन रहा है, इसको जीरो रखो, x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x इज इक्वल टू पुट करके देखो, 2 × 4 × 8 -2 × 14 +6, 8 × 6 = 14, 14 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, मतलब x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखना, इसको जीरो रखो, x इक्वल टू 2 पुट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। इफ ए इज ओपन सेट एंड बी इज क्लोज सेट देन बी माइनस ए क्या आएगा? देखिए सिंपल, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। बी अगर मेरा क्लोज्ड है तो मैंने ले लिया 1 से 4 तक क्लोज सेट, ए अगर मेरा ओपन है तो मैंने 2 से 3 ओपन ले लिया, इसमें अगर मैं घटाऊंगा जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 से 4 तक है, अब 2 से 3 तक मतलब ये वाला पोर्शन रहेगा सिर्फ, ये वाला पोर्शन अगर कट हो भी जाता है फिर भी तो वो क्लोज तो क्लोज ही रह रहे हैं ना, ठीक है, अगर मैं b माइनस ए भी कर देता हूँ तो यहाँ से मेरा क्या बन रहा है, 1 से 2 तक तो क्लोज ही है, 2 से 3 जो ओपन मेरा माइनस हुआ उसको मैं यूनियन के अंदर उसको नहीं लिखता, 3 से 4 तक लिख सकता हूँ, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे b में से मैंने a माइनस कर दिया तो फिर भी क्लोज ही रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। लिमिट है y टेंस टू a साइन y माइनस a अपॉन 2 10 पाई y अपॉन में 2a क्या आएगा? यहाँ देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला हमने चैप्टर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिमिट y टेंस टू a आ गया, जब आप इसके अंदर ये पुट करते हो तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 × 0 फॉर्म बन रही है, बट मैं क्या बोलूँगा, पहले आप क्या करो जैसे साइन वाई माइनस, क्योंकि हमारे पास तो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कोट पाई वाई अपॉन 2a। अब इसको a पुट करोगे तो यहाँ ऊपर जो है क्या आ जाएगा 0, नीचे जो है a पुट करोगे तो a से ही कैंसिल हो जाएगा, a से ही कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 कोट पाई बाई 2, 10π/2 0 होता है, कोट पाई बाई 2 जो है ना, सॉरी 10π/2 इन्फिनिटी होता है, कोट पाई बाई 2 0 होता है, तो ये मेरी ओवरऑल क्या बन गई, 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म बन गई। अब इसका हम 0/0 फॉर्म बन जाती है, हम क्या करते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं जिसके अंदर ऊपर नीचे डेरिवेटिव होता है, ऊपर डेरिवेटिव होगा तो क्या आ जाएगा मेरा साइन का डेरिवेटिव होगा तो कोस वाई माइनस ए अपॉन 2 अपॉन 2 है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, और क्या आ जाएगा 1/2 वाई का जब करेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा कोट का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर पाई वाई, पेन आज थोड़ा सही नहीं चल रहा, पाई वाई अपॉन 2a, ठीक है, और y का जब करेंगे तो पाई बाई 2a आ जाएगा, तो वो मैं आगे ले रहा हूँ पाई बाई 2a। अब इसको जब मैं y a पुट करता हूँ तो ऊपर cos 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1/2, और नीचे जब मैं पुट करता हूँ तो मेरा ये 1 हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा तो वो भी 1 हो जाएगा, तो नीचे रह जाएगा माइनस टाइम पाई 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस a बाई पाई मेरा आंसर आ गया, ठीक है, आप भी साथ साथ करते रहो, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये देखिए बिल्कुल आसान सा है, मैंने आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करवा दिया कि साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ठीक है, अलग अलग, तो डायरेक्ट आपको इसका तो ध्यान ही होना चाहिए, √5 − 1/4, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। मैंने आपको ये करवाया था कि साइन 18 डिग्री होता है √5, मैंने आपको बोला था ये तो आपको याद ही रखना है, और इसके इक्वल क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, cos 72 डिग्री, मतलब 90 में से माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे sin 15 डिग्री हो गया √3 − 1/2, इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की, ठीक है, जाके देख लेना, cos 36 डिग्री होता है √5 + 1/4, ये होता है साइन 54 डिग्री, इस टाइप से अलग अलग थे सारे, तो आप ध्यान देख लेना, बहुत सारे थे, साइन 15 डिग्री, 18 डिग्री, 9 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45/2, ठीक है, उसके बाद 10 के चल जाते हैं, 10 18 डिग्री, 10 15 डिग्री, ये सारे के सारे आपको करने हैं याद, वो डायरेक्ट पेपर में ये क्वेश्चन इसका आता ही आता है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं कि इसका सामान्य हल क्या होगा, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा कि इसका साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू वन का। पहले आप ट्राई कीजिए, सिंपल है। हम कैसे करते हैं, जैसे साइन ए कोस भी कोस है, साइन बी इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वन बाय रूट टू करते हैं। साइन एक्स प्लस वन बाय रूट टू कोस एक्स इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे साइन ए कोस भी हो रहा है, कोस ए साइन भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो मेरा क्या बन जाएगा, साइन ए कोस पाई बाय फोर प्लस कोस ए साइन पाई बाय फोर, 45 डिग्री वन बाय रूट टू होता है ना, वन बाय रूट टू, समझ गए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है, वन बाय रूट टू। और वन बाय रूट टू को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय फोर, क्योंकि साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब कैंसिल, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, पहले मैं आपको बताऊँ कैसे कर सकते हो। x प्लस पाई बाय फोर जनरल सॉल्यूशन के अंदर ये कैसे आता है, n पाई प्लस माइनस वन की पावर n पाई बाय फोर, ठीक है ना, याद होगा आपको, n पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा होता है, अल्फा क्या है मेरा पाई बाय फोर है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मेरी आएगी वो क्या आएगी, n पाई प्लस माइनस वन की पावर n पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए वो क्या दे रहा है, यहाँ से देख लीजिए, साइन स्केयर एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो ए की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाइपरबोलिक के अंदर आई है, तो हाइपरबोलिक का कंसेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं, मैं लेता हूँ, हमें गिवन क्या है, साइन स्केयर एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, आप भी साथ साथ कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस आयोटा वाई का मैंने रूट कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस आयोटा बी का रूट। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का सॉरी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी ए प्लस आयोटा बी का रूट। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक, मैंने आपको बताया था कोस आयोटा वाई क्या होता है और साइन आयोटा वाई क्या होता है। कोस के अंदर डायरेक्ट कोस हाइपरबोलिक वाई बन जाता है, बट साइन के अंदर साइन हाइपरबोलिक वाई तो बनता ही बनता है, बट आयोटा बार आ जाता है, ठीक है, बस इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पे कोस एक्स, और ये आयोटा टाइम साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। यहाँ पे ये एच डी चल ही रहा है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बोथ साइड्स कैरी कर दो, क्यों, क्योंकि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमें तो लाना है, बोथ साइड्स स्केयर कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्केयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी, स्केयर होने के बाद रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, इस टाइप से करूँगा, और आयोटा वाले टर्म मैं कैंसिल कर दूंगा, सिर्फ ए लूँगा क्योंकि रियल पार्ट हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई सारे का स्केयर, ठीक है, प्लस में वाई का स्केयर करेंगे, आयोटा का स्केयर माइनस वन हो जाएगा, तभी मैंने माइनस लगाया, कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, प्लस में मेरा क्या आ जाएगा, टू टाइम आयोटा टाइम आएगा, तो आयोटा टाइम आएगा मैं वो नहीं ले रहा, ठीक है, प्लस टू टाइम आयोटा टाइम समथिंग आएगा वो मैं नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे जब कंपेयर करूंगा आयोटा बी से वो तो मुझे लेना ही नहीं, क्योंकि मुझे तो ए ही निकालना है सिर्फ, तो ए की वैल्यू मेरी डायरेक्ट ये वाली आ गई सारी, ठीक है, ए की वैल्यू मेरी ये आ गई। इसको अब मैं सोल्व कर लेता हूँ, साइन स्केयर कोस स्केयर हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस स्केयर एक्स साइन स्केयर हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, साइन स्केयर कोस स्केयर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस साइन स्केयर हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि कोस स्केयर हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन स्केयर हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। चाहे तो कॉपी पे अपनी साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू
मेरा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस टाइम कोस टू एक्स हो गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया मेरा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस टू एक्स इंटू में साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई। ये चीज़ समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन ले लो, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस टू एक्स होता है, तो माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया, तो ये मेरा ओवरऑल आ गया आंसर। बट यहाँ पे कोई आंसर जो है मैच नहीं कर रहा हमारा, चलिए इसको एक बार हम स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम लास्ट में देखते हैं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या का अंत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू दैट ऑफ इन सर्कल। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सबसे पहले तो वही है कि इसके भी मैं आपको एक दो तरीके बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लूँ, हम ले लेते हैं यहाँ पे सर्कल, ठीक है। अब जो है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल मैंने क्यों लिया, उसका भी मैं रीज़न आपको भी बताता हूँ, ठीक है। अब जो है उसने एक ट्रायंगल कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल, और वो कहता है कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल, इन सर्कल होता है जो बीच में जो सर्कल होता है, ठीक है, एक मिनट इसको हम बाद में देखेंगे, और जो ये होता है अंदर वाला जो सर्कल है वो इन सर्कल है, ये है सर्कम सर्कल। तो इसकी जो है हमें क्या निकालना है, इसकी रेशो निकालनी है, इसकी रेडियस की, ठीक है, इसकी रेडियस की। और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैं 60 डिग्री मान रहा हूँ, ठीक है। ए इसकी मैं साइड ए ए ए मान रहा हूँ, तीनों साइड इक्वल होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इसको निकालने का, कि आर, बड़ा आर जो बड़ी रेडियस होगी और छोटी रेडियस होगी, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ए अपॉन टू साइन ए अपॉन में डेल्टा अपॉन एस। मतलब जो है आर जो बड़ा बड़े वाला आर होता है वो होता है ए बाई टू साइन ए, छोटे वाला आर होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है, इसका इसकी जो है इसका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ए बाय टू साइन ए, मतलब साइन 60 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा डेल्टा, इसका इसका जो है एरिया, इसका एरिया क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, रूट 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, यही हो गया क्योंकि ए ही है मेरी रेडियस। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, रूट 3/4 ए स्क्वायर अपॉन में एस, एस जो है मेरा ऊपर चला जाएगा, एस जो है मेरा ऊपर चला जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, या नीचे ही हम लिख देते हैं एक बार, एस मेरा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है, तीनों साइडों का सम अपॉन में टू, 3a/2, समझ रहे हो, 3a/2। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ए बाई टू साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2, ठीक है, और नीचे ये आ जाएगा रूट 3 ए स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 4, और नीचे जो है मेरा क्या आ जाएगा, 3a/2। यहाँ पे ये डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा 3a/2, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 × √3 से कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, दूसरा ए से दूसरा ही कैंसिल हो गया, 2 ऊपर आ गया, तो मेरा ओवरऑल आ गया 2/1। इसका मतलब क्या है, 2:1 मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है, ठीक है। आप देख सकते हो आराम से। एक और भी चीज हो सकती थी, एक और जो मेरा इसमें फॉर्मूला लगता है आर अपॉन आर, मैं वहीं लिख देता हूँ, ठीक है, रेड में, ताकि आपको याद रहे। इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर जो बड़ा होता है वो, मतलब बड़ी जो सर्कम रेडियस होती है वो मेरी ए बी सी अपॉन 4 times डेल्टा होती है, मतलब 4 times उसका एरिया अपॉन में डेल्टा अपॉन एस, ये मेरा छोटा आर होता है। इससे भी जो आंसर मेरा बिल्कुल सेम निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द टेंजेंट एट पॉइंट सी ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ए बी व्हेन एक्सटेंडेड
इंटरसेक्ट एट डी, इफ डी सी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री देन सी बी ए क्या आएगा? चलिए जल्दी से कीजिए आप। देखिए इसके अंदर क्या है, 22 के अंदर अगर हम देखें इसको, थोड़ा सा मैं यहाँ से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, ये मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ना हम थोड़ा सा उठा लेते हैं, तो इसको मैंने साइड में रख लिया, ठीक है। अभी वो क्या बोल रहा है कि सी टेंजेंट जो है वो सी पे है ऑफ ए सर्कल एंड डायमीटर ए बी है। तो पहले डायमीटर ले लेते हैं मैं ए बी, ठीक है, ए और बी डायमीटर ले लिया। अब जो है वो कहता है बी को इतना बढ़ाया गया डी तक, तो बी जो है मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ डी तक, ठीक है। ये हो गया मेरा बी, और जो है सी टेंजेंट है जो इसको जाके इंटरसेक्ट करता है, मतलब जो टेंजेंट लाइन है वो यहाँ से कहीं से जा रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं टेंजेंट लाइन को, ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट कर रही होगी, ये है सी। अब जो है मुझे वो एंगल जो मुझे फाइंड आउट करना है, सी बी ए और डी सी ए 110 है, डी ये रहा, सी ये रहा, ए ये रहा, डी सी ए, मतलब जो है अगर हम देखें इसको यहाँ से मिला देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है एंगल मेरा 110 डिग्री है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, कि सी बी ए निकालना मुझे, सी बी और ए ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। अब जो है एक प्रॉपर्टी है सिंपल सी, मैं आपको बताऊं कि ये जो एंगल मेरा बनता है ना, जो मेरा एंगल बना ए सी बी, ए सी और बी, ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा अगर हम देखें, ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा ना, ये मेरा बनेगा अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए सी बी, ये मेरा बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। और बी सी डी अगर मैं देखूँ वो क्या बन जाएगा मेरा, बी सी और डी 110 डिग्री टोटल है, 110 में से 90 गया तो मेरा 20 डिग्री रह गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, जो मेरा बी ए सी एंगल बनेगा, बी ए सी ये वाला जो एंगल है, और बी सी डी, बी सी और डी ये वाला एंगल दोनों सेम बनेंगे, ठीक है। ये जो है मेरा डायमीटर से जब भी मेरा ये एंगल हम बनाते हैं ऊपर या नीचे जहाँ भी बनाए हम, तो ये माइनर सेक्टर के अंदर जो ये वाला इस टाइप का एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला ए और ये वाला एंगल सी जो एंगल है, अल्टरनेट सिगमेंट थ्योरम होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बी ए सी इक्वल होगा बी सी डी के, तो ये कितना है मेरा 20 डिग्री, क्योंकि मैं ऊपर निकाल चुका हूँ बी सी डी, तो ये 20 डिग्री हो गया अगर, तो मेरा ये क्या हो गया 20 डिग्री, ये हो गया मेरा 20 डिग्री। तो अब देखिए टोटल ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में अगर हम देखें तो टोटल 180 डिग्री होता है, तो मेरा सी बी ए मेरा क्या हो गया 180 माइनस एक एंगल मेरा कितने का आया 90 डिग्री का, एक एंगल मेरा 20 डिग्री का, 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। बस आपको समझने की ज़रूरत है, ऐसी काफ़ी थ्योरम में जो है मैं अभी आपको कराऊंगा, उसके अंदर लेक्चर आपके आ जाएंगे, तो ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं ना वो हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23। द इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच पासिस थ्रू द पॉइंट 60। सिंपल सी बात है यार, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो भी हमारी इक्वेशन निकलेगी हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो डायरेक्ट दिया गया पासिस थ्रू पॉइंट आ गया, अगर पुट करके देख लो एक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, वही मेरा आंसर है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 पुट करो क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 12, यहाँ पे पुट करो -12 इज इक्वल टू 12, नो नहीं आ रहा, मतलब ऑप्शन गलत हो गया। ये भी ऑप्शन 12 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। बस इतना ही करना था, कुछ करना ही नहीं था, करना चाहो तो आप कर सकते हो, वही बात है। फिर उसकी y माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस एक्स टू जो है ना, स्लोप निकाल लो, उसकी स्लोप पुट करो उस टाइप से, टू पॉइंट फॉर्म से आप जो है ना इसकी इक्वेशन निकाल दो, बट मैं बोलूँगा डायरेक्ट आप करना पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मुझे दी हुई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी जो है ना पूछे जाते हैं,
ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब सर्कल आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है, इलिप्स आ रहा है, या पेयर ऑफ जो है ना परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन आ रही है। यहाँ देखिए हिंदी के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जब मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमने एक इक्वेशन की थी जो है ना, इसकी होती है ए एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन होती है 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ये चीज जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू जो है मेरी वो कितनी बन रही है मेरी 6, h की वैल्यू मेरी -5/2 और b की वैल्यू मेरी -6 बन रही है, g की वैल्यू मेरी 7 बन रही है, f की वैल्यू मेरी 5/2 बन रही है और c की वैल्यू मेरी 4 बन रही है। अब मैंने आपको एक चीज़ कराई थी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला में कि डेल्टा इज इक्वल टू जो मेरा होता है a b c f g h f g h, ये चीज़ अगर जीरो होगी या जीरो नहीं होगी, मतलब दो टाइप से हम निकाल सकते हैं सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, या आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, या स्ट्रेट लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट है ये, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सारी चीज़ें मैंने आपको कराई थी। या इसको डायरेक्ट जो है ना डिटर्मिनेंट को हमने लिखा था, क्या लिखा था, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी, इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा 2fgh माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर। अब इसके अंदर वो पुट करो, ठीक है, ए बी सी वैल्यू आप पुट करोगे तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी जीरो। आप पुट करके देख लेना सारी जो भी वैल्यू है यहाँ पे ए बी सी एफ जी एच सारा ऊपर दिया हुआ है सी, ये सारा इसमें पुट करोगे जीरो आ जाएगा। सॉरी तो जीरो आ जाएगा। तो अब जो है मेरा जीरो होता है तो मेरा क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट इसके अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ साथ परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है साथ में, कि अगर मेरा ए प्लस बी भी जीरो आ गया तब मैं कहता हूं कि परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ए देखिए 6 है और बी देखिए यहाँ पे -6 है, समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ए 6 है और बी -6 है, तो 6 - 6 जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थोड़ा सा इसका मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कैसे कैसे होता है, अगर आप भूल चुके हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि अभी जो चीज क्लियर हो जाएगी ना उसमें अलग ही मजा है। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आता था तो मेरा होता था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर मेरा डेल्टा जीरो है और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आता था तो मेरा पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती थी, ठीक है, अगर मेरा डेल्टा जीरो है और एच स्क्वायर लेस देन ए बी आता है तो मेरा पॉइंट बनता है, अगर मेरा डेल्टा जीरो है और ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आता है तब मेरा परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये तो था जब डेल्टा जीरो आ रहा है, जब डेल्टा जीरो नहीं आ रहा तब हम कैसे करते थे, डेल्टा जीरो नहीं आ रहा और ए इज इक्वल टू बी आ रहा है और एच इज इक्वल टू, ये सब चीज़ें मैंने आपको कराई हुई हैं, तो मेरा सर्कल आता था। अब डेल्टा जीरो नहीं आ रहा और एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ रहा है तो मेरा क्या होता था, पैराबोला। लिखाई के लिए माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, बट आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही होगी। तो एच स्क्वायर लेस देन जब ए बी आ रहा है तो मेरा एलिप्स आता था, और डेल्टा नॉट इज इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है तब मेरा हाइपरबोला होता था, ठीक है, और डेल्टा नॉट इज इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी भी है और साथ में ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है तब मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, आपके 3 से 4 क्वेश्चन फुल फ्री के, और ये क्वेश्चन पूछे भी गए इसी एग्जाम के अंदर, देखना और क्वेश्चन भी इस टाइप के आएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही ना जो ये इस लेक्चर को मैं काफ़ी देर हो चुकी है आप ही हो, तो इतना ही करते हैं हम, 25 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट जो है ना 25 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, जो कि एप्लीकेशन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऊपर यहाँ देखिए, एक सेकेंड मैं कैमरे को इधर कर लूँ, ऊपर देखिए मिशन DSSSB के नाम से, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज हम बना रहे हैं फुल लेंथ, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।